जिले में रालवास से टोडा तक नई सड़क का शिलान्यास किया गया है मंत्री परसादी लाल मीणा के द्वारा। तो देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। दौसा जिले में उपखंड रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत टोडा के डूंगरी ढाणी बैरवा बस्ती में स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने लालावास सड़क से टोडा तक नवीन सड़क का शिलान्यास किया है। बात करें तो इस अवसर पर पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर सड़क पट्टी का उद्घाटन किया गया। ग्रामीणों ने शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा का फूल माला व साफा बंधवा करके स्वागत किया है। इस अवसर पर सरपंच मुगली देवी ने प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा को शॉल उड़ा करके उनका सम्मान किया। शिलान्यास कार्यक्रम को सरपंच प्रतिनिधि बद्रीलाल आवाज, लालसोर प्रधान नाथुलाल मीणा, रामगढ़ पचवारा प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा, पूर्व सरपंच दीपक पटेल, एडवोकेट रामबाबू शर्मा ने संबोधन किया है। समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण कार्य मार्च तक पूर्ण हो जाएगा, जिससे सभी घरों में पानी पहुंचेगा। समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अब पशुओं के इलाज के लिए दूर दराज तक नहीं जाना पड़ेगा। ग्राम टोडा के लिए पशु चिकित्सालय की स्वीकृति जारी कर दी गई। इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सरपंच मुकली देवी व सरपंच प्रतिनिधि बद्री डालावास की मांग पर अगले बजट में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टोडा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। इसी अवसर पर सरपंच मुगली देवी, पूर्व चेयरमैन दिनेश मिश्र, पंचायत समिति सदस्य रामपति मीणा, उप सरपंच सुखबाई गुर्जर, समाज सेवी रामकिशन नेता सहित कई लोग मौजूद रहे। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।